वीडियो में जब भी डोसा रेसिपी देखते हैं तो इतना परफेक्ट डोसा बनता है। डोसा जो परफेक्ट बनता है वो उस तवे की वजह से बनता है या परफेक्ट डोसा रेसिपी से बनता है ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन दिल करता है नेक्स्ट टाइम मैं इसी तवे पे डोसा बनाऊंगी, तो जैसा ये डोसा बन रहा है वीडियो में वैसा ही घर में भी डोसा बने। क्या आपके मन में भी ऐसा ही ख्याल आता है जब आप वीडियो में डोसा बनते हुए देखते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ बेस्ट डोसा के लिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश है मेरी। फेस्टिवल टाइम है, दिवाली आने को है और घर में प्लानिंग चल रही है शॉपिंग में क्या लेंगे। बड़ी चीज़ें जो लेनी है, बच्चों की अलग चॉइस रहती है, हस्बैंड लोगों की अलग प्लानिंग है और लेडीज़ का है किचन में हमें क्या लेना है। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि इस बार डोसे का तवा लेंगे। मैंने अभी आपके साथ फिलहाल ही रिसेंटली कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें रिव्यू दिया है कुकर का, स्टेनलेस स्टील कुकर, वो आपकी रिक्वेस्ट थी। फिर दूसरी बार आया कि कढ़ाई, स्टेनलेस स्टील कढ़ाई कौन सी लें, और फिर कास्ट आयरन कढ़ाई। मुझे कमेंट में आए हैं, रिक्वेस्ट है कि डोसा तवा के बारे में बताओ अभिलाषा, कौन सा तवा लें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, बेस्ट डोसा तवा या फिर रोटी चपाती फुलका बनाने के लिए कौन सा तवा लें। तवा लेते समय क्या चीज़ देख के तवा लेना है वो ही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। फिलहाल आज तवा के 10 प्रकार हैं, 10 टाइप्स तवा, आयरन तवा जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मतलब मैंने पहले भी बोला था मैं रिव्यू उन्हीं चीज़ों का देती हूँ जो मैंने यूज़ किया है, यूज़ करने के बाद मैंने कैसा महसूस किया है। 10 तरह के डोसा तवा हैं मेरे पास, ये सामने रखे हैं। 2 to 4 to 6 7, 3 गैस पे रखे हैं, 10 और ये 11। सबसे पहला तवा है जो कि मैंने काफ़ी टाइम तक इसमें डोसे बनाए हैं, और इसके बाद है ये वाला बीच वाला जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ डेली, और फिर बाकी के सारे न्यू हैं। फिलहाल ये पिछले 2 सालों में जितने भी कास्ट आयरन तवा हैं ये इन 2 सालों के हैं, जब से स्टार्ट हुआ कास्ट आयरन कढ़ाई तवा। देख करके यही लगता है कि लोहे के तवे पे जैसा फटाफट से बन रहा है वैसा ही हम भी बनाएंगे और यही डोसा तवा लेंगे। ये 10 तरह के तवा इसीलिए हो गए, एक्चुअली तवे के मामले में जितना आपको जिज्ञासा है कि कौन सा तवा बेस्ट है, उतनी ही जिज्ञासा मुझे भी है ये जानने की कि मैं बोल सकूँ आपसे कि कौन सा तवा लो, ये तवा दी बेस्ट है, इसमें डोसा परफेक्ट बनेगा, ऐसा मैं बोल सकूं इन 10 में से। तो मैं भी इसी तलाश में लगी रही। जब भी आपने तो ये तो आपको भी पता है कि हम रिव्यूज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जब भी कोई जो ब्रांड है उनका न्यू लॉन्च होता है, सोचो जब हम तलाश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात और पॉइंट रखना चाहती हूँ कि बड़े बड़े ब्रांड भी इस तलाश में हैं कि किसमें डोसा अच्छा बनेगा, तभी तो वो 1 साल के अंदर 10 तरह के तवे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, चल जाता है कि इसमें ये कमी है, चलो दूसरे में हम ये इम्प्रूव करें, चलो तीसरे में हम ये इम्प्रूव करें। वरना 1 साल के अंदर दसियों तरह के आकार के तवा बनाने की ज़रूरत क्या है, जब एक ही तवे से डोसा परफेक्ट बन रहा हो और हर पब्लिक वही ले रही हो, हर लेडी वही ले रही हो, तो उसकी ही इतनी डिमांड हो जाए कि उन्हें 10 तरीके के बनाने ही क्यों पड़े। समझ गए ना बात को? जब भी कोई भी नया तवा आता है डोसे का, मैं इंटरेस्टेड होती हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरी चीज़ों का भी रिव्यू कर सकती हूँ, पर मैं पूरा इंटरेस्ट लेती हूँ कि चलो इस बार इस तवे को ट्राई करते हैं, शायद इसमें इतना अच्छा बने। क्योंकि जो पिक्चर होती है, जो देखने में आता है कि ये डोसा तवा, और उसके ऊपर जो तवा के ऊपर जो डोसा होता है, करारापन होता है, वो जो क्रस्ट आता है और जो कलर आता है, तो वो तो तौबा, मतलब ऐसा लगता है उसको निकाल ही लो बाहर फोटो से, और अब हम यही डोसा बनाएंगे और ऐसा ही बनाएंगे। इसी वजह से ये दसियों तरीके के तवे की बाजार लगी हुई है बाजार, दुकान, कुछ भी कह लो। इसीलिए हंसी आ रही है क्योंकि अभी जब कढ़ाई और कुकर का था रिव्यू, उसमें भी यही कमेंट थे कि बर्तनों की दुकान तो आज तवे की दुकान लगी हुई है। ये तो हो गया जोक सपाट, मजे की बात हो गई, पर इतना हंसने ज़्यादा सीरियस बात ये है कि ऐसा क्यों है,
तो मैं एक एक करके बता रही हूँ आपको, जैसा कि मैंने पहले भी किया था अपने हर प्रोडक्ट के बारे में नज़दीक से लाकर, और पहले के बाद दूसरे की नौबत क्यों आई। घर में यहाँ जरूरत की चीज़ें रखने को नहीं है जगह, तभी दस दस करके भी क्या फ़ायदा अगर एक से। और देखो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर एक से ही बेस्ट होना है इस 10 तवों के होने के बावजूद, अगर रोटी या पराठा बनाना है तो मेरा हाथ इस पे जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट है। जब एक चीज से अच्छा काम हो रहा है, हम दूसरे तीसरे का ट्रायल क्यों मारें, बराबर ना। ये सबसे पहला तवा है मेरी किचन, मेरी रसोई में सबसे पहला तवा ये है। ये बांदा का है, प्योर आयरन है, बांदा में ऐसे लोकल जो मार्केट होती है वहां से है। मेरी बड़ी चाची है, उन्होंने मेरे साथ मुझे शॉपिंग करवाई थी, घर गृहस्थी की बहुत सारी चीजें दिलवाई थी, उसमें उन्होंने मुझे ये तवा दिलवाया था। तो ये तवा जो 23 साल से मेरे साथ चल रहा है, रोज 3 बार ये गैस पे चढ़ता है, फुलके सिकने हो, पराठे सिकने हो, फुलके पराठे सारे काम इसमें होते हैं। यहाँ तक कि अगर मुझे डोसा बनाना होता है एकदम जबरदस्त परफेक्ट, जब भी बैटर बच जाता है, जब डोसा पार्टी हो जाती है फिर भी थोड़ा सा बैटर बचता है जो फ्रिज में पहुंच जाता है, और अगले दिन 4-6 बनने होते हैं नाश्ते के लिए लेफ्ट ओवर से, वो डोसे मैं हमेशा फिर इसी को निकाल के चढ़ा देती हूँ, क्योंकि ये यूज में रहता है ना, सामने निकला हुआ रखा रहता है रोटी और पराठे वाला, बस इसी में बन जाते हैं डोसे। तो जो परफेक्ट डोसे की अगर हम बात करें तो वो तो इसमें भी बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि आयरन है तो बहुत अच्छा करारापन भी आता है, स्वाद बहुत अच्छा होता है, और जब बैटर बचा कुचा होता है तब लास्ट में डोसे भी बढ़िया मतलब मेहरबान होते हैं, वो भी बहुत जबरदस्त बनते हैं, फिर तो ऐसा लगता है ऐसे ही बैटर से डोसे बने। तो जब ये तवा भी डोसा परफेक्ट बना लेता है लेफ्ट ओवर से, इसका मतलब जो बैटर है वो अगर अच्छा है तो इसमें भी डोसा बनेगा, क्योंकि इसी तवे पे अगर मैंने जैसे बैटर तैयार किया डे वन, हम स्टार्ट कर रहे हैं बैटर से डोसा बनाना, तब तो इसमें चिपकता है, तब तो अच्छा नहीं बनता, शुरुआत तो इससे नहीं होती अच्छी, शुरुआत तो हम दूसरे तवे से करते हैं, लास्ट में जो बचा हुआ फ्रिज में होता है अगले दिन वाला बैटर, यानी कि वो बैटर सेट हो गया। तो पहला पॉइंट ये है कि परफेक्ट डोसा बनाने के लिए आपका बैटर परफेक्ट होना चाहिए। हम एक रात में भी सुबह भी भिगोते हैं, रात में पीसते हैं और फिर अगले दिन बनाते हैं, या फिर हमने रात में पीस के रखा है, हमने सुबह पीस के रखा है और हम रात में ज़्यादातर वीडियो में दिखा रहे थे डिनर में बना रहे हैं डोसा, तो हमने सुबह पीसा रात में डोसा बनाया, वो जो रात का बच गया बैटर वो अगले दिन इसमें परफेक्ट डोसा बन गया। इसका मतलब पहले पॉइंट तो ये है कि बैटर अगर परफेक्ट है, बैटर को पकड़ लो कि किस दिन आपने किस तरीके का बैटर बनाया था, कैसा रेशियो रखा था, कितने टाइम उसको दिया था रेस्ट के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, तब आप अगली बार दूसरी तीसरी बार हमेशा डोसे परफेक्ट बनाओगे। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी ये कि जिनको रोटी बनानी भी नहीं आती है, जिनको ढंग से अच्छी रोटी भी बनानी नहीं आती है, उनको भी अगर डोसा बनाना है तो नॉन स्टिक से शुरुआत करो। आयरन में कितना भी परफेक्ट बनता है उससे भी रिस्क हो जाता है, कई बार रोज हर मतलब रोज तो नहीं बनते डोसे हमारे घरों में, तो जैसे कि कई बार 4-6 बार आपके बहुत अच्छे डोसे बने और उसी तवे में बने, उसी बैटर में बने, फिर भी जब अपने 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से अब आपने बैटर का शुरुआत करी और डोसा बनाना शुरू किया, तो उस दिन में भी आपका वो डोसा चिपक जाएगा अब, या उतना अच्छे से निकलेगा नहीं, मोटा होगा, वो बाहर निकल जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसका मतलब ये है कि कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज डोसे के मामले में कि ये अच्छा बनेगा, लेकिन नॉन स्टिक में आंख बंद करके आपका बैटर में क्या कम हो गया है, चावल ज़्यादा है, दाल कम है, बेसन डाला है कि नहीं, नमक चीनी डाली है कि नहीं, चीनी क्यों डाली है, क्योंकि उससे लाल होता है, करारापन आता है, कुछ भी है और कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉन स्टिक में आप डोसा बनाएंगे तो इतना ज़बरदस्त डोसा बनेगा, खुश हो जाओगे आप, जिनको रोटी भी अच्छे से बनानी नहीं आती है। और नॉन स्टिक यदि आपको लेना है तो मैं एक नाम ले सकती हूँ, इन 10 तवों में से नॉन स्टिक लेना है तो मैं एक नाम बिल्कुल बोल सकती हूँ, हॉकिंस फ्यूचरा नॉन स्टिक के लिए बेस्ट तवा है, जो कि भले ही इन 10 तवों में नहीं हो लेकिन आप नॉन स्टिक में हॉकिंस फ्यूचरा फॉर स्पेशली डोसे के लिए लो, रखो, सालों साल यूज करो, छोटी फैमिली बड़ी फैमिली कभी भी डोसा 1 to end स्टार्ट टू एंड एकदम परफेक्ट डोसे बनेंगे, हर कोई तारीफ करेगा, उससे ज़्यादा तो आप खुद खुश होंगे कि कितना अच्छा डोसा निकला, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है।
चलो अब शुरू करते हैं इनमें से। तो ये मेरा रोटी वाला तवा है, सबसे पहला तवा है जिसमें मैं रोटी तवा पराठे बनाती हूँ। पराठे के बाद ग्रीस्ड तवे में मैं इसमें डोसा बना लेती हूँ और वो आपको देखने में भी बहुत बार मिला है अगले दिन जो नेक्स्ट होता है इंक्लूडिंग वीडियो कि ब्रेकफास्ट में बने डोसे, वो इसी में बनाती हूँ मैं, ठीक है। अब चूंकि हमें रिव्यूज के लिए जब भी मौके मिलते हैं कि ये नया ब्रांड में नया तवा आया है इसका आपको रिव्यू देना है, तो ठीक है हम तो खुशी खुशी तैयार रहते हैं कि भाई अब हमको मिले वो डोसे का तवा। जैसे कि शुरुआत इससे करते हैं, मैंने एक बार ये तवा देखा था, पिक्चर आई थी बहुत अच्छी सी, डोसा ऊपर और ये डोसा तवा डबल हैंडल, देखने में हॉकिंस का भी ऐसा एक निकला हुआ है चपाती फुलके वाला। कई बार तो फोटो में इसमें फुलका एकदम गुब्बारे जैसा फूला हुआ दिख रहा है, ये तवे फुलके के लिए है, लेकिन लिखा होता है जब भी तवे के बारे में डिस्क्रिप्शन में कि ये डोसा तवा है, रोटी तवा है, पराठे तवा, वो तो हर तवे के लिए रहेगा। मैंने बहुत खुशी से, मैं जब भी कोई भी तवा मंगाती हूँ ये सोच के नहीं मंगाती मुझे सिर्फ फुलका सेकना है, मैं डोसे का सोच के मंगाती हूँ। मैंने इसमें डोसा बनाया था, मेरा डोसा चिपक गया था मूंग दाल का, फिर मैंने चीला बनाया था वो नहीं चिपका था। एक्चुअली चीले और डोसे में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, समझ रहे हो, डोसा अलग ही चीज़ है, चीला तो हल्का सा भी मोटा सा भी स्प्रेड करो फिर धीरे धीरे तेल वेल खूब चपोड़ दो फिर वो निकल जाना है, तो जैसे तैसे एक दो बिगड़ने के बाद फिर तीसरे चौथे से फिर ये कंटिन्यू हो गया। यानी डोसे के लिए ये तवा अच्छा नहीं निकला मुझे। मैं यही भी कहना चाहूँगी भाई देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा बैटर ख़राब हो सकता है, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आया होगा, हो सकता है किसी और से बना हो, तो ये डोसे के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन हाँ चीले वीले बन जाते हैं तो वो तो किसी में बन जाते हैं। फुलके आप तवे पे सेक सकते हैं, दो हैंडल ऐसे रखा है गैस परमानेंट, एक पलट पलट के कपड़े से रगड़ के। तीसरा ये वाला सबसे पहला जब डोसा तवा कास्ट आयरन का, ये इसमें मैंने खूब डोसे बनाए भी हैं वीडियो में, मैं सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप चेक कर लेना। ये वाले में मैंने मेंशन भी किया था कि मैंने बैटर डाला, बैटर फैलाया, जब मैं इसको निकाल रही होती हूँ स्पैचुला से तो एक साइड डार्क है एक साइड लाइट है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी, क्योंकि जब सभी ने गोल गोल ये बिल्कुल देखने में ही लगता है कि अरे ये तो एकदम परफेक्ट तवा होगा जिसमें एकदम जबरदस्त डोसा बनेगा, ये सबसे पहला कास्ट आयरन तवा है जिसमें आधा बहुत लाल और आधा लाइट सा कलर, और जो डार्क वाला कलर वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, अगर लाइट के चक्कर में थोड़ी देर और सेंक लें तो वो लाल वाला काला हुआ जा रहा है, तो इसका क्या बैलेंस है, क्या नीचे से क्या गड़बड़ है तो फ्लैट ही तवे ये, लेकिन इसमें परफेक्ट डोसा नहीं बन पाया। डोसे तो बन जाते हैं, परफेक्ट वाली चीज़ नहीं कह पाई मैं, मतलब मुझे लगा, मैंने ये वीडियो में भी बोला था ये बात। फिर इसके बाद मैंने ये वाला देखा, अरे वाह ये तो उससे भी बड़ा, एक ही बार में बिल्कुल प्लेट भर जाए, इतना बड़ा डोसा बन जाए और एकदम फ्लैट है ये देखो, इतना चिकना बढ़िया। इसमें तो ट्रायल मारी थी उसके जब डेमो किया था, उसके बाद से फिर नहीं हुआ क्योंकि बहुत पतला है, मतलब ये जो बीच का है ना, बीच से हल्का है ये तवा, और हल्का होने की वजह से बिल्कुल बस बीच में चिपक ही गया, मतलब उसमें तो क्या था कि निकला आधा डार्क आधा लाइट, इसमें बीच में से हर बार खरोच 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 खरोच, बीच का डार्क किनारे एकदम नॉर्मल सा कलर है, इतना सुंदर देखने में, लेकिन इसमें मैं सक्सेस नहीं रही डोसा बनाने में, मैं भी फेल हो गई थी। फिर तीसरा हाँ ये वाला जब तवा आया, इसमें मैंने बहुत बार डोसे बनाए और आपने देखा भी है, यहाँ तक कि अभी अभी हाल फिलहाल एक वीडियो भी मेरी काफ़ी हिट हो गई थी, उसमें एकदम शानदार डोसे बने थे, वो ये वाला था। हल्के से ग्रीस्ड हैं, अभी मैं बताऊंगी कि इनको मेंटेन कैसे करते हैं, तवा को क्यों, मतलब कोई भी तवा कैसे परफेक्ट भी आप बना सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। तो इसमें बहुत परफेक्ट बने थे डोसे, इतने जब मैंने ट्रायल कर दिए तब मैं जब यहाँ तक पहुँची तब थोड़ी खुशी हुई कि हाँ अब की कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोल दूंगी कि आप ये वाला कास्ट आयरन तवा लेना जिसमें डोसे अच्छे बनेंगे, लेकिन इसको आपको अच्छा बनाना पड़ेगा इस तवे को तब अच्छे बनेंगे, जरा भी इसमें गड़बड़ हो गई, जैसे अभी ये ग्रीस्ड है, इस टाइम पे मैं अगर इसमें डोसा और चिल्ला बनाऊंगी तो एकदम शानदार बनेगा, अगर इसको मैं धो मांज के रख दूँ ना साबुन से घिस के और धो के और अच्छे से कपड़े से पोंछ के ड्राई तो चिपक जाएगा। तो अभी बात करें कि बाद में बात करें, पहले दिखा दूँ ये। हाँ तो इसको ग्रीस कैसे करते हैं, कभी भी आप एक बार ही इनको यूज करो तो इनको यूज करने के बाद नमक डाल करके
हाथों से ऐसे ऐसे घिस लो नमक से, नॉर्मल सॉल्ट से, और नल के नीचे साथ साथ प्लेन इसको धुल लो। कोई भी आयरन तवा मेंटेन करने के लिए नमक डाल के धुलो, चाहे आपने कितने घंटों इसमें डोसे बनाए हैं, खूब तेल चिकटा है, अपने नमक लगा के पानी से धो लिया, इसके बाद साबुन लगा करके धो लिया, कपड़े से पोंछ लिया, फिर आपको ऑयल सिर्फ ब्रशिंग करनी है ऐसे। अगर ब्रश नहीं भी है, आपने इसमें आधा छोटा चम्मच ऑयल डाला, कोई भी कॉटन का रुमाल लिया, उसे पूरा अच्छे से ग्रीस कर दिया, फैला दिया ऑयल को, ताकि एक जगह ठहरा हुआ ना रहे अंदर बाहर ये ऐसे। और फिर इसको किसी भी पॉलीथीन में या फिर ऐसे कोई भी आपका बैग है उसमें आप डाल के रख दो, ताकि जब अगली बार आप बनाओ तो ऑयल की वजह से डस्ट इसमें ना चिपके। लेकिन फिर भी जब भी आप निकालो और आप डोसा बनाने वाले हो तो वो इतने दिन पहले का तेल लगा हुआ रखा है, तो आप उसको नॉर्मल पानी से धो लो और कपड़े से पोंछ लो और इसे यूज़ करो। कभी भी तवे को ऐसे ज़बरदस्त घिस घिस के साफ करके चकाचक रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चकाचक रखने की वजह से अगली बार डोसा रोने लगेगा। उनको ऐसे ही रखने चाहिए इस हालत में, यूज्ड हालत में, लगे कि हाँ अभी तो पराठे सेके थे ऐसे। तो यहाँ तक मैं आई थी ना, यहाँ तक में मैं खुश हो गई थी, ये सब फेल हो गए थे तवे। फिर इसके बाद अभी रिसेंटली एक तवा आया था, ये वाला जिसमें मैंने पिज़्ज़ा बनाकर दिखाया था, ये पिज़्ज़ा तवा करके मुझे आया था डेमो, और मुझे इसका देना था रिव्यू। तो पिज़्ज़ा बेस रख करके मैंने टॉपिंग्स करके इसमें पिज़्ज़ा बनाया था, लेकिन दिल कर रहा है कि इसमें मैं डोसा बनाऊँ तो शायद अच्छा बने, पर अभी मैंने बनाया नहीं है, जब मैं बनाऊँगी तब पता चलेगा। मैंने इसमें पिज़्ज़ा बनाया था और एक दिन चीले बनाए थे, चीले ज़्यादातर नाश्ते में बनते हैं घर में, तो ये बना था, क्योंकि क्या ही करूँ मैं अगर लगातार बना लूँ कि ट्रायल मारना है मुझे, तो 4-6 दिन बाद अगर डोसा बन जाए या महीने में एक दूसरी बार बन जाए तो एक ही कमेंट आने लगता है, आप डोसे के सिवाय कुछ बनाती नहीं है क्या? डोसा तो आप हमेशा बनाती रहती है, तो अब क्या ही करो, रोटी भी तो रोज़ बनती है, लेकिन डोसा अगर बना लिया ना एक महीने में 2 बार तो बस डोसा तो अभी बनाया था। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये मोटा है काफ़ी, ये सोच करके खुश हूँ मैं, और जब मैं बनाऊँगी तब मैं इसके बारे में बताऊँगी। फिलहाल उसमें ठीक बने थे और इसमें भी उम्मीद है चिल्ला अच्छा बना था। और नॉन स्टिक तवा, ये तो सारे हो गए कास्ट आयरन, और ये है नॉन स्टिक 3 तवा। जो पहला वाला था बहुत पहले से यूज़ कर रही थी मैं, ये सेट था कढ़ाई वाला, इसकी कढ़ाई भी थी और ये तवा था काफ़ी पहले से, मैं माना में रहती तब से इसी तवे पर बनाती डोसा। फिर दूसरे मैंने इसमें काफ़ी टाइम तक बनाए हैं, हमेशा अच्छे बनते थे, तब डोसा बनाना सीखा इन्हीं तवों से है। मास्टर क्लास बैचलर, मतलब बैचलर इनसे हुई है, मास्टर क्लास उनसे हो रही है। और ये वाला तवा, और जब भी मैं ये वाले तवों से बना रही होती हूँ ना बीच बीच में ये, और इसने भी जहाँ एक आध बार चिपकाया तो मूड बिगड़ गया, बस फिर क्या चढ़ा दिया अपना ये नॉन स्टिक जो है अपने पास, ये बनाते बनाते जो इसने बिगाड़ा तो तुरंत मुझे ये याद आ जाता है। तो ये नॉन स्टिक 3 तवे हैं मेरे पास, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप इनसे भी अच्छा क्वालिटी का लेंगे ना हॉकिंस फ्यूचर, बहुत ही अच्छा है। मेरी चाची के पास है, अभी जब मैं मेरे को गई थी ना तो चाची के पास वही तवा था, और एक मेरी फ्रेंड है उनके पास भी है, तो वो अच्छे रिजल्ट हैं। तो ठीक है, तो ये तो नॉन स्टिक में है, अलग अलग ही कंपनीज हैं। और ये वाला मेरे पास जितने भी हैं कास्ट आयरन वो द इंडस वैली हैं, और एक जिस्टा का भी तवा है मेरे पास, काफ़ी पहले आया था रिव्यू के लिए। ये जिस्टा का काफ़ी हैवी है, बहुत भारी है, और बढ़िया सा ये साइज़ बड़ा सा है, खूब बढ़िया। इतनी खुशी खुशी बैटर पूरा भगोना भर के बनाए थे तब शुभी भी थी, और जब डोसे बनाने शुरू किए तो 2-3 के बाद रोने लग गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो बीच की गहराई है ना, ये ऐसा शेप है ना बीच में, ये बीच में चिपक के हर डोसे के 2 टुकड़े हो के डोसे बाहर आए थे। एक भी डोसा पूरा इस तवे के साइज़ का या बीच के गोल का साइज़ का एक डोसा पूरा नहीं निकल पाया था, तो क्या ही फ़ायदा जब डोसा टूट टूट जाए, आधे आधे आए। हाँ ये बात है, एकदम साफ सुथरी स्पष्ट बात, नॉन स्टिक में सुंदर निकल जाएगा, खाने में वो मज़ा नहीं आएगा जो टुकड़े टुकड़े आयरन वाले में रहता है, यानी कि इनके एक डोसे के 3 टुकड़े भी होते हैं, खाने तो तोड़ के ही हैं, उसमें जो बाइट लोगे आप करारापन आएगा, लगेगा आप रेस्टोरेंट वाला डोसा खा रहे हो आयरन तवे पे। नॉन स्टिक में सुंदर बन जाएगा, स्मूथ सा, लेकिन वो सॉफ्ट सा रहेगा, करारापन नहीं रहेगा, वो क्रस्ट नहीं आएगा। तो मैं पास से एक बार सारे के सारे तवे दिखा देती हूँ, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं।
आप कौन सा तवा ले वो आपकी चॉइस है। हर तवे पे डोसा बन सकता है, पर हमेशा बने या परफेक्ट ही बने ये अभी तक गारंटी नहीं है। बैटर का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है परफेक्ट डोसा बनने में, तवे का तो होता ही है। और जिस तवे पे आप डोसा बनाने वाले हो उसको पहले एक दिन हमेशा पराठे वगैरह सेक लो, तो वो अच्छा सा ग्रीस हो जाता है। पहली दूसरी चौथी पांचवी 10वीं बार आप डोसा बनाओगे उसी तवे पे, जिसमें पहली बार में आप फेल हो गए हो, 10वीं बार में आप उसमें परफेक्ट डोसा बना लोगे, क्योंकि वो जो तवा होता है वो चाहता है एकदम ग्रीस्ड तवा। मार्केट में क्यों अच्छे बनते हैं, क्योंकि उसमें सालों साल बनते रहते हैं और दिन भर बनते हैं, रोज़ बनते हैं, उसका काम ही वही है, वो गैस पे चढ़ा रहता है। और इसको अच्छा ग्रीस करने के लिए जब आप डोसा बना रहे होते हो, जब आप गैस पे तवा रखते हो तो एक बर्तन में नमक और पानी मिक्स करके रखो, नमक और पानी का मिक्सचर, ये आप नॉर्मली भी कर सकते हो, और उसमें हाथ से पानी लेके छींटे मारो, एक चम्मच तेल डालो और फिर छींटे मारो, 2 बार पानी के छींटे मारो, तेल के पहले और तेल के बाद, और फिर कपड़े से लेके पूरा पोंछ दो। जो नमक पानी की जो लेयर लग जाती है ना, उससे वो नॉन स्टिकी हो जाता है तवा आपका, आयरन तवा। इसीलिए वो देखो मार्केट में ऐसे पानी के छींटे मारते रहते हैं, एक कपड़ा जो रहता है वो कपड़ा भी उनका इतना चिकटा रहता है क्योंकि तेल और पानी मिक्स हो चुका होता है, वो पोंछता तो है साथ में जो कपड़े में लगा होता है ना लेयर, वो भी चिकट देता है पूरी तरीके से, यानी कि तेल और पानी का जो चिपचिपापन वो पूरे तवे पे लेयर जैसी बन जाए। जितना यूज करोगे आप तवे को, जैसे मैंने उस दिन कढ़ाई के लिए कहा था कि उसके पीछे लग जाना है, आपने कोई तवा लिया नया वाला उसमें ही आप पराठे सेको, रोटी से ड्राई हो जाता है, पराठे सेको और चीले बनाओ, डोसे बनाओ। चीले और डोसे में अंतर है, चीले बहुत आसानी से निकल जाते हैं लेकिन तेल उसमें हम लोग डालते हैं ना तो वो चिपकता चला जाता है। चीला बनाने से भी डोसे का तवा अच्छा सेट हो जाता है। अक्सर ही देखो मैं चीले बनाती हूँ, चीले की वजह से वो तवा सेट हो जाता है, और उसके 8 दिन बाद तुम डोसे बना लो, एकदम परफेक्ट डोसे बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो चीले बनाने में जो तेल हमने यूज़ किया वो तेल हर बार ही उसमें लगता चला गया, पराठों में हर बार तेल लगता है, घी लगता है, वो लेयर चिपक जाती है और उसे हमने धुला ही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे नॉर्मल पानी से धो के रखा, तो वो जो लेयर है ना उसकी वजह से डोसा स्मूथली निकल जाता है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो से काफ़ी हेल्प मिले, जितना मुझे जानकारी थी वो मैंने दिया, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और भी कुछ बातें हैं जो मेरे साथ आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।